भाई बहन के अटूट संबंधों का पर्व रक्षाबंधन हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहन ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा और सहयोग का वचन लिया, तो वहीं भाइयों ने उन्हें रक्षा और सहयोग करने का वचन दिया। ओम प्रकाश सिंह बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन पर्व का संबंध भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से है। गलती से चक्र सुदर्शन से भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से प्रसन्न होकर रक्षा का वचन दिए। उन्होंने अपना यह वचन द्रौपदी की चीर हरण के समय रक्षा करके पूरा किया था। दूसरी कथा इंद्र और उनकी पत्नी शची से संबंधित है। देवासुर संग्राम में इंद्र असुरों से पराजित हो रहे थे। उनकी पत्नी शची ने तप और पूजन के पश्चात देवराज इंद्र के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर अभय प्रदान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप देवासुर संग्राम में इंद्र को विजय प्राप्त हुई थी। शची ने रक्षा बंधन के दिन उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था। बताया जा रहा है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। तीसरी कथा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से संबंधित है। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि का वरदान मांगे। भगवान विष्णु ने 2 पग में पृथ्वी और आकाश को, 3रे पग में राजा बलि की शरीर को भी नाप लिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक में साथ रहने का वचन ले लिया। पाताल लोक में रहते हुए बहुत दिन बाद माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के रूप में राजा बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर बलि से वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कर लिया। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। रक्षाबंधन पर्व का उत्साह छोटे बच्चों में बड़ों की अपेक्षा ज्यादा दिखाई पड़ा। छोटे बच्चे अपने भाई बहनों को राखी बांधकर स्वादिष्ट मिठाइयां प्रेम पूर्वक खाते खिलाते हुए देखे गए। इस अवसर पर छोटे बच्चों में समृद्धि सिंह ने आयांश सिंह और शिवान्या सिंह ने शाश्वत उर्फ देव सिंह को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यह त्यौहार भाई और बहन के अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस त्यौहार पर बहनें भाई की कलाई में राखी बांधकर भाई से रक्षा का, सुरक्षा का और सहयोग का वचन लेती है, तो वहीं भाई भी बहन को उसकी सुरक्षा तथा रक्षा का वचन देता है। पौराणिक काल से ही हमारे यहाँ रक्षाबंधन पर्व मनाने की परंपरा रही है। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित है, राजा बलि भगवान विष्णु से संबंधित है तथा देवराज इंद्र और शची से संबंधित है। इन तीनों पौराणिक कथाओं में दिखाया गया है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली जो गलती से चक्र सुदर्शन से कट गई थी, अपना पल्लू फाड़कर साड़ी फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुरक्षा का वचन दिया था और उन्होंने अपना यह वचन चीर हरण के समय द्रौपदी के लाज की रक्षा करके अपना वचन पूरा किया था। उसी तरह से इंद्र जब देवासुर संग्राम में पराजित हो रहे थे तो शची ने उनकी जो पत्नी थी तपस्या करके इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके परिणाम स्वरूप वह युद्ध में विजयी हुए थे। और तीसरी कथा राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित है। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में गए और 3 पग भूमि मांगा, जिसमें उन्होंने पृथ्वी आकाश को और उनकी शरीर को भी नाप लिया था। बाद में राजा बलि पाताल लोक में गए और भगवान विष्णु से साथ रहने का वचन ले लिए। बहुत दिन बाद लक्ष्मी जी स्त्री के वेश में गई और उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर और वचन स्वरूप जो है भगवान विष्णु को वहाँ से मुक्त कराया था। इस तरह यह कथा प्राचीन काल से आ रही है यह परंपरा, और भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में है। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।